कांग्रेस पार्टी से अपने इस्तीफे पर राधिका खेड़ा ने कहा कि मैंने हमेशा सुना है कि कांग्रेस राम विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है, लेकिन मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। महात्मा गांधी हर बैठक की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से करते थे। जब मैं अपनी दादी के साथ राम मंदिर गई और वहाँ से लौटने के बाद मेरा हकीकत से सामना हुआ। मैंने अपने घर के दरवाजे पर जय श्री राम का झंडा लगाया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी मुझसे नफरत करने लगी। जब भी मैंने फोटो या वीडियो पोस्ट किए, मुझे डांटा गया और पूछा गया कि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी तो मैं अयोध्या क्यों गई। राधिका खेड़ा का कहना है कि 30 अप्रैल को जब मैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला से बात करने गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और मुझे गालियां दी। मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लगातार 22 साल मैं इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती। और हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की तो हर सभा की शुरुआत ही रघुपति राघव राजा राम से होती थी, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई चीज सामने आती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। कुछ समय पहले मेरी नानी की मृत्यु हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब राम लल्ला को टेंट में रखने का काम कांग्रेस ने किया था, उस समय वो दर्शन करके आई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो राम जी के दर्शन करके आए। इसीलिए मेरी माँ ने बार बार कहा कि वो राम जी के दर्शन करके आना चाहती हैं, तो मैं उनको वहां लेकर गई, अयोध्या लेकर गई। अयोध्या में जाके हमने राम लल्ला के दर्शन करे और बहुत, जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों हर बार ये डालो। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो, क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है, मैं तब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए, लगातार मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया, तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीजों की, एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे अपमानित किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव की मीडिया की प्रभारी बनी और ये मेरा तीसरा बार था, दो विधानसभा चुनाव भी मैं बतौर मीडिया प्रभारी वहां काम कर चुकी हूं और इस बार लोकसभा चुनाव पे मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये दर्शन के बाद कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था। 3 साल से लगातार प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से समय मांग रही हूँ, लेकिन उनका ऑफिस हमेशा कभी एक के पास भेज देता है, कभी दूसरे के पास भेज देता है। एक से समय मांगेंगे तो बोलेंगे दूसरा समय देगा। लगातार न्याय यात्रा के दौरान भी मैं छत्तीसगढ़ की मीडिया देख रही थी, न्याय यात्रा के दौरान, तब भी न्याय यात्रा की भी मैं इंचार्ज थी वहां की मीडिया की, तब भी राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिले। वो आते थे अपने यात्रा में, 5 मिनट हाथ हिलाते थे, जाके अपने अंदर ट्रेलर में बैठ जाते थे, कार्यकर्ता से भी नहीं मिलते थे। लगातार मैं वहां पे बोलती रही कि हमें 5 मिनट मुलाकात करा दीजिए, वो किसी से नहीं मिलते थे। उनको सिर्फ न्याय यात्रा कहने के लिए करनी थी, पता नहीं किसकी न्याय थी वो। ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे वहां आके और किसी से बात नहीं कर रहे थे। तब भी मैंने ये मैटर उठाया था, मैंने तब भी उनके ओएसडी दोनों को, पीएस को ये बात बताई थी कि ऐसा हो रहा है आपकी यात्रा में। सोचिए, न्याय की बात कर रहे हैं पूरे देश को करने का और उन्हीं के पार्टी ऑफिस बेयरर के साथ वहां पे अन्याय हो रहा था, तब भी नहीं सुनवाई, क्योंकि राहुल जी बिजी थे, उनको अपने ट्रेलर में बैठ के पता नहीं क्या
देखना था आपने सोशल मीडिया पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लगातार उनके ऑफिस से संपर्क बनाने की कोशिश करी। जैसा मैंने कहा, वो किसी से नहीं मिलती। लड़की हूं, लड़ रही हूं, सामने एग्जाम्पल है, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि लड़की हूं लड़ सकती नहीं, लड़की हो तो पिटोगी। कांग्रेस का यही नारा है, लगातार अपने नेताओं को बदसलूकी करी जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हुई, जैसे मैंने कहा, अर्चना गौतम को तो खुद पीटा गया कांग्रेस कार्यालय में, मुझे कांग्रेस कार्यालय में बंद कर दिया गया। ये कोई बाहर की घटना नहीं है। जब कांग्रेस कार्यालय में, नेशनल कार्यालय में और स्टेट के कार्यालय में अगर ऐसी चीज हो रही है तो बहुत चिंतन का विषय है। जो लोग बात करते हैं महिला के न्याय की, जो लोग बात करते हैं मणिपुर की, कर्नाटक की, वो खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं और कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। और क्यों तीन आदमियों ने मुझे कमरे के अंदर बंद किया, ये भी बहुत चिंतन का विषय है। आप राम मंदिर गए, कांग्रेस के मुख्यालय में, रायपुर में, किसी भी नेता के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, जो हमारे पार्टी का मुख्यालय होता है वो मंदिर के समान होता है। और हम सबसे सेफ अगर कहीं होते हैं तो वो उस मुख्यालय में होते हैं। लेकिन 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लगे और चिल्लाने लगे। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे, और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो, जब मैंने अपना फोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूं, ऐसे हाथ में फोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में दो और लोग थे, दो और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी बंद कर ली गई। 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई। तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर भी लोग थे, लेकिन किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं करी। और जो बाकी के दो आदमी थे, उन्होंने दरवाजे के आगे आके खड़े हो गए और मुझे दरवाजा नहीं खोलने दिया। मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फोन था, मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं वहां पे धक्का दे के, और उस समय सिर्फ एक ही चीज मेरे ध्यान में आई, मैंने आंख बंद करके चिल्लाते समय सिर्फ कृष्ण जी का ध्यान किया कि वो मुझे यहां से बचा के लेकर जाए। क्योंकि जहां पे हम सपने अपने आप को एक महिला सबसे सुरक्षित महसूस करती है कि वो हमारा मंदिर है, वहां पे मुझे अंदर तीन आदमियों ने बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से धक्का देके मैं वो दरवाजा खोल के चिल्लाती हुई, चीखती हुई कांग्रेस ऑफिस में, सीढ़ियों से जो लोग वहां पे गए उन्होंने देखा कि वो फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस है, मैं नीचे भागती भी गई, चिल्लाती भी सीधा प्रदेश के महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में गई, चीखती चिल्लाती बिलबिलाती, और मैं सिर्फ इतना कहती रही, दिखात बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जो प्रदेश के महामंत्री भी थे वो जूते उतार के बैठे रहे, कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने उस आदमी को नहीं बुलाया, किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, और एक तमाशा वहां बनता रहा। मेरी घड़ी 154 पे मेरा बीपीएम चला गया और घड़ी ऐसे धपट पट कर रही थी, लग रहा था कि घड़ी ही फट जाएगी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, मैं वो सोचती भी हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ।